हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शिव सिंह। आज का टॉपिक है कॉम्प्लिकेशन इन लंबर प्रेशर। इन लंबर प्रेशर के दौरान, लंबर प्रेशर तो हमने किया है, लेकिन लंबर प्रेशर से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, यानी अगर हम एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करें या कुछ प्रोसेसर को सही तरीके से फॉलो नहीं करें तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नॉर्मली हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो इन्फेक्शन। इसके अंदर आता है एक हेलो साइन। तो हेलो साइन क्या होता है, येलो कंसंट्रेशन रिंग बनती है तो वो क्या होती है, इन्फेक्शन। सबसे पहला है कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन। अगर वी डोंट फॉलो एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करते, यानी किसी स्टेरल कंडीशन के अंदर नहीं करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां ग्रो करेंगे और इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होगा, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर लेंगे, बैक्टीरिया वायरस फंगल वगैरह कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण वहां पर ग्रो करेंगे इन्फेक्शन, क्योंकि प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं किए। सेकेंड होता है लीकेज। सी सब का लीकेज होगा, और लंबर पत्थर का दूसरा नाम होता है उसे कहते हैं स्पाइनल ट्रैप, यानी ये भी नाम आ सकता है स्पाइनल ट्रैप। ठीक है, तो स्पाइनल ट्रैप कह सकते हो, इसका लंबर प्रेशर भी कह सकते हैं। इन्फेक्शन, वी डोंट फॉलो एसेप्टिक टेक्निक, अगर नहीं किए तो इन्फेक्शन हो सकता है। अब होता सी सब लीकेज, अगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है ग्लूकोज या बीटा ट्रांसफेरिन, तो कैसा माना जाता है, ये पॉजिटिव है। अगर फ्लूड के अंदर जो फ्लूड आ रहा है लीकेज हो रहा है उसके अंदर ग्लूकोज या बीटा ट्रांसफेरिन होता है तो हम पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन ये हम चेक कैसे कर सकते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसके लिए हम एक तो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। एक कोई भी गॉज पीस ले सकते हैं, हम उसको गॉज पीस या कॉटन ले सकते हैं, गॉज पीस या कॉटन लेंगे, उसको वेट करेंगे, वेट विथ लिक्विड, यानी ब्रेन के अंदर कहीं भी इंजरी होती है, नाक से मुंह से कहीं से भी फ्लूड आ रहा है, तो फ्लूड वो म्यूकस हो सकता है, म्यूकस मटेरियल हो सकता है, ब्लड हो सकता है, लेकिन ये लिक्विड कौन सा होगा, लीकेज वाला। जो फ्लूड आएगा नाक से मुंह से इंजरी होने पर कहीं से भी, जो ये लीकेज आएगा जो म्यूकस होगा उसके साथ में ये गॉज पीस या कॉटन पीस जो होता है, कॉटन या गॉज पीस को वेट करेंगे यानी गीला करेंगे। उसके बाद में यहां पर अगर येलो कॉन्सेंट्रेशन रिंग बनती है, येलो कॉन्सेंट्रेशन रिंग बनती है तो इसे कैसे हेलो साइन, येलो कॉन्सेंट्रेशन रिंग बनती है इसे कहते हैं हेलो साइन, और ये पॉजिटिव करता है कि ये सीएसएफ है। अगर येलो कॉन्सेंट्रेशन रिंग बनती है उसको कहते हैं हेलो साइन, एग्जाम में पूछते हैं हेलो साइन, यानी येलो कॉन्सेंट्रेशन रिंग बनती है उसे कहते हैं हेलो साइन, और ये इंडिकेट करती है कि ये सीएसएफ है। तो इस तरीके से सीएसएफ कॉम्प्लिकेशन होता है, एसेप्टिक टेक्निक यूज करके नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और अगर ये लीकेज हो रहा है तो उसका प्रोसीजर, अगर ग्लूकोज और ट्रांसफेरिन है तो पॉजिटिव है, और इसका हम पता कैसे करते हैं, प्रोसीजर कॉटन पीस या गॉज पीस लेंगे और जहां पर वो लीकेज हो रहा है उसके साथ वेट करेंगे, गीला करेंगे, उसके बाद में वहां देखेंगे कि अगर येलो कंसंट्रेशन रिंग बन रही है चारों तरफ, जो कॉटन पीस के चारों तरफ येलो कंसंट्रेशन अगर रिंग बन रही है तो क्या है, हेलो साइन है, और ये इंडिकेट करवाता है हेलो साइन कि सीएसएफ है, वो फ्लूड सीएसएफ है। इस तरीके से हम पता करते हैं सीएसएफ का लीकेज का।